पत्रकार जी ताराचंद जी ध्यान करना, एक किसान गया खेत जोतने। पहले क्वारबारे में इसी समय पे खेती की कमाई होती थी मिट्टी की, अच्छी तरह मिट्टी को गोड़ के बढ़िया तरह से एक तिनका भी नहीं बिल्कुल सफाई हो करके और ठीक प्रकार से खेती की कमाई करते, फिर उसकी बुवाई होती थी तब गेहूं पैदा होती थी। और खेती में कमाओगे नहीं तो फिर कैसे पैदा हो जाएगा, कोई काढ़े नहीं। तो एक किसान रहे, वो खेत जोतने के लिए गया, समझ लो दृष्टांत, खेत जोतने के लिए गया तो जल्दी ही खेत जोतने जाते थे क्वार में चौक, फिर घाम हो जाती थी, फिर बैल परेशान करते थे। आज तो ट्रैक्टर सुविधा बहुत दे दी। तो खेत जोतने के लिए जब पहुंचा, काफी खेत जोत चुका है, एक क्यारी रह गई जिसे हरैया कहते हैं, किरिया कहते हैं, एक क्यारी रह गई, उसे जोत रहा था। तो एक मेड़ पे बैठ करके संत और भजन करते थे, सफेद वस्त्र पहन कर, समझ लो सफेद वस्त्र पहन करके भगवान का भजन कर रही थी, माला लेकर के रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला लेकर के भगवान का भजन कर रहे थे। तो बैल उसे देख करके एकदम दर्द जाती थी, जब आमे भाई गुड़ पर सो बैल डरप जाए, उन्होंने की चक्कर क्या है, ये बैल क्यों डरप जाते हैं। तुरंत आगे बढ़े और कि अरे महात्मा, अरे तू को रे का कर रो जा मेड़ पे, मेरे बैल डरप रहे हैं, अरे तू जा पल्लम बैठ जाइए, यहां से हट। लेकिन नहीं हटा, क्यों रे सुनतुनाए तू, हम कह रहे पल्लंग चलो जा मेरे बैल तड़प रही, नहीं सुनी। जो सर पकड़ के मूड पकड़ के टकटकाने लगे, माला पकड़ ली, क्यों रे हम बार बार आवाज दे रहे, तू आवाज नहीं दे रहा है, यहां क्या कर रहा है। सो ये एकदम ताली खुली महात्मा की, महात्मा जी ने कही कि जी तो गमार हो किसान, पड़ोले को अपना है, अब जाए कैसे डील करोगे। महात्मा बोले कि एक बात बता, जो कही उसने कि क्या कर रहा है ना बैठ गए। तो महात्मा ने कही कि तू क्या कर रहे हो, टिट फोर टैट जैसे को तैसा, तू क्या कर रहे हो। कि मैं कि हाँ कि मैं खेत जोत रहा हूं, कि खेत जोत में तो क्या हो कि गेहूं होंगे 20 मन, कि तो सुन मैं जा माला को जाप कर रहा हूं, जो कर रहा हूं कि जा माला ते गेहूं होंगे 40 मन। पानी गई जित, बहुत अच्छी बात है, बेमतलब में हम मरे हो पहले ने मारो जी, ये कह रहे भजन कर रहे हो गेहूं 40 मन होंगे, कि 40 मन होंगे पक्के के पक्के, के तो ऐसा करे मऊए गुरु मंत्र दे दे, एक माला मऊ दे दे, मैं काय को खेत जोतूं। इतनी बात सुन करके आज भगवत प्रेमियों जो इतना कहा कि गेहूं 40 मन होते, तो ये माला ले ले और बिना पैसे मंत्र ले लो, और मंत्र कौन तो दो कमल धन लोचन, मंत्र दिया कमल धन लोचन, कमल धन लोचन, कमल धन लोचन, ये मंत्र दिया कमल धन लोचन। आज इसी मंत्र को दे करके बड़े प्रेम के साथ कमल धन लोचन, कमल धन लोचन होने लगे। अब बाने बैल लेके अरे हर पना पे धर के चंदो, अब ना कर रो जुताई, ध्यान करना बेटे, अब नहीं कर रहा है जुताई, अब तो कमल धन लोचन, कमल धन लोचन हो रही है। आज बड़ा ध्यान मग्न होकर के कमल धन लोचन कर रहा है, लेकिन ऐसा हुआ काम में आते ही एक खेत में दोनों बैल घुस गए, जो चारा खड़ा हुआ था, चरी बाजरा कहते ना,
तो एक खेत में घुल गए। वो बेचारा उन्हें मारवे के चक्कर में कमल धन लोचन भूल गो। वैसे तो कहते हो कमल धन लोचन कमल धन लोचन, अब भूल गो। अब तो बड़ा पछताओगे, जी तो कछु न रो ना इतगे रे न बितगे। कमल धन लोचन हम कहे वो भूल गए, अब हम क्या करें। आज बड़े दुखी होने लगे। आज कमल धन लोचन कहना बंद हो गया, अब तो घबरा रहा है। अब कोई उपाय नहीं है। हे परमात्मा, आज कमल धन लोचन कहते भूल गो। अब बैल लेके घरे गो, गरबाई बोली काए। पति भगवान आज चंदी कहते आए, अरे के सत्यानाथी आज मामलो गड़बड़ है। वो काए गो, एक बाबा मिले और बैल बिन देख तड़प रहे। मैंने कही बाबा का कर रहे हो, बिन कही भजन कर रहा हूं। मैंने भजन दिखा हो तू बिन मोतगी के जिखे जोतरो जाति का हो। मैंने की गेहूं होता है 20 मन, बिन की जा माला थे गेहूं होता है 40 मन। बाबा ने मोर माला दे दे जी माला में हाथ में और मंत्र दो सत्यानाथी जे दुए बेल बखीत में रायपरी में बेल ने मारवे के चक्कर में मैं मंत्र भूल गो। घर भाई बोली तो नाथ रहेगा। अब तो मामला गड़बड़े हो ने बताओ बा मंत्र 340 मन गेहूं होते काय को खेत जोते हुए की जरूरत थी। आज तो मामला ज्यादा गड़बड़े है। अगर हम जा भगवती बाग में ना आते तो मंत्र भूलते नहीं, और भगवती बाग आए ताई चक्कर में गीता चौधरी के चक्कर में ही हम जा मंत्र भूल गए। अब हमारे गेहूं 40 मन कैसे होंगे। अब बड़ी चक्कर में पड़ेगी लला भीतम। अब तो क्या करेगा। अब गरबाई बोली एक बात बताओ, बिल्ले मंत्र बताओ। हाँ तुमने जपो जपो तो कछु तो याद हो बा में थे। मुझे कैसे याद ना है तुम्हारी किस्म रेनु, मुझे तो बिल्कुल याद ना है। अच्छा नहीं कुछ याद आगे को या पीछे को या पीछे को याद बोले न मुझे आगे को न पीछे को न पीछे को मुझे कैसे याद ना है। पर एक बात बताऊं, कछु बा भजन में बा मंत्र में लास्ट में कपोचर कपोचर थी आवत। कमल धन लोचन की जगह कह रो है कपोचर थी आवती। तो घरवाई बोली सुनो विश्वात हेतम पात्रम। तो एकदम उन्होंने क्या किया जो कही गपोचर तो कही विश्वास हेत पात्रम फलदायक मंत्रम। जाइए पड़ो फौजी भैया, तुम जाइए कहो गपोचरी गपोचर करो जय मंत्र है तुम आओ। अरे भूल गए तो कोई बात ना है। जो भैया इतनी कही अब तो गपोचर गपोचर सोई। अब माला ले हाथ में समझना, अब देखना इस मंत्र का। और जाए के भाई खेत की मेड़ पे बैठे वो भाई जगह पे टीका टीक दोपहरी पर रही पसीना चलो क्वारवाड़ी में घाम खरी पत्ते टीका टीक दोपहरी पर रही बदरोटी घाम। अब पसीना के मात्रा इतराय मच रही और ओढ़ के सफेद चादरा लारो जोते के गपोचर 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 गपोचर। अब तो गपोचर ही गपोचर हाय राम। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने करके जाएगी माँ है की। जो लक्ष्मी ने सुनी गपोचर गपोचर कोई कही पति भगवान इधर आओ कि काय मैंने आज नई बात सुनी है। चौथे दिन ध्यान करो गीता। मैंने आज नई बात सुनी है कि का जी का कह रहे हो गपोचर गपोचर क्या कि गपोचर तुम आओ गपोचर नाम कबती रख दो। भगवान बोले जी ऐसा तो है जी भजन मेरो ही कर रहो है का और को ना कर रहो जी मेरो ही भजन कर रहो है के तो तुम्हारा गपोचर नाम तो मैंने कबू ना सुनो ज्यादा ना थी आई हूं तुम्हारी तुम्हारी संग ऐसा तो है गपोचर ना है काउनी मंत्र दो तो वो दूसरो नाम दो लेके बाय भूल गो तो गपोचर गपोचर करो मो जय स्वीकार है ना मैं नहीं मानू के चो मैं तो जाए की पूछू।
भगवान विष्णु कहने लगे कि जाके पूछो ही के हाँ किसान हुए गमार हुए दोपहरी पड़ रही है लेके पेना चुपट पड़ो तो वो ना देख रो के विष्णु की लक्ष्य भी है को है जी फिर तुम कहो जी का मंडल बनेगो तुम्हें पहले बता रहा हूं। लक्ष्मी जी बोली, लक्ष्मी बोली महाराज चाहे कोई मार ले चाहे पीट ले चाहे कितनों मारे पर मैं आज जाए पूछ के मानूंगी कि बता का पूछन नाम किनको है किनको भजन कर लो। भगवान विष्णु बोले तुम जा किसान पे लक्ष्मी जी पिटवे को तैयार है हाँ पर गपो चल पूछो क्या के तो ठीक है जा पूछ ले कि महाराज तुम कहां दो कोई जी बताओ कहां दो कोई कहां दो कोई महाराज जी कुआ है और पहले बड़े बड़े कुआ है तो वहां में सीधी सी सरिया की चीज होती तो कोई आती नहीं थी तुमने कुआ में दबके जाओ मैं जा पूछ लूं कि ठीक है पूछ ले ध्यान करना विशेष जो पूछी जाए के अरे श्री दोपहर में चपटो है पसीना निकल रो है और ला रो है कबूचर 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 किन को भजन कर रो है तू है और ये एकदम भजन पे ताली हटी बन गया है बात जा कंते आ गई है नहीं थी चुनरिया उड़ के जवाब जा जा तो क्या मतलब भाज जा जा ना भाज जाएगी। लक्ष्मी बोली मैं भाजवे भाई ना हूं वो जी बता कबूचर कबूचर किन को भजन कर रो है किनको भजन कर रहा है सोई बाने गुस्सा में कही कहते खसम को लक्ष्मी बोली सही बात है मैं आदमी कोई कर रहा है बान तो गुस्सा में कही कहते खसम को बोलो जे तो सही बात है मैं आदमी कोई कर रहा है। अब बोली अच्छा मैं खसम को कर रहा हूं चल ठीक है तो जी बता कहां है वो कहां है बाजा के कहां है बता हे भाई कुआ में जान दे अरे कर लिख रे आओ जी तो अपन ही कर रहा है ले तो थका पिटबो के भाई कुगा में जाल देखो कुगा में आता ही है के धन्य प्रभु धन्य मुरली मनोहर कन्हैया बहुत बहुत अच्छी आज उसको वरदान प्राप्त करते हुए चले आया। तो भक्तों विश्वास ही सबसे बड़ी अमोल बूटी है।